नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा हम लोगों ने आपसे वादा किया था मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन का लाइव करने का, तो आज हमें मुजफ्फरनगर के हृदय स्थल शिव चौक पर, आप में से बहुत से लोगों को भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए हुए भी लंबा समय हो गया होगा, तो आज सबसे पहले तो हम और आप बाबा भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हैं। मुजफ्फरनगर में कल तक हम बेफिक्र थे कि कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है, लेकिन आज हमारे और आपके लिए चिंता की खबर है कि मुजफ्फरनगर से 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ऐसे में हमारी और आपकी जो बेफिक्री है वो अब ख़त्म होने का समय है। हमारा आपको सचेत होना पड़ेगा। कोरोना के दौरान लॉकडाउन जो लागू किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, उसके नियमों का हमें और आपको पालन करना होगा। ये हमारे और आपके सभी के हित में होगा। प्रशासन द्वारा एक सैनिटाइजर मशीन भी शिव चौक पर लगाई गई है, जिससे गुजरने के लिए लोगों में आज काफ़ी उत्साह देखा गया। आप देख सकते हैं सामने आप जो सैनिटाइजर मशीन है वो लगाई गई है, जिससे लोग यहाँ गुजर रहे हैं और ख़ुद को सैनिटाइज कर रहे हैं। आज लॉकडाउन के दौरान मुजफ्फरनगर में सड़कों पर काफ़ी अच्छी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। ये चिंता का विषय है। अगर ज़रूरी नहीं है तो आप सबसे हमारी भी ये दरख्वास्त है, मैं मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप के लिए अमरीश चौधरी आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरीके से पालन करें। मैं एक बार बोल दूंगा भी ये भगत सिंह रोड का नज़ारा ये इधर का, तो आप उसी हिसाब से दिखाते रहिए। अभी आप मेरे पीछे शहर की सबसे व्यस्त रहने वाली भगत सिंह रोड का नज़ारा देख सकते हैं। मुजफ्फरनगर की सड़कें गलियां सुनसान हैं और लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। इधर मेरी तरफ दाएं तरफ आप देखेंगे तो ये मेरठ रोड है, सामने की तरफ आप झांसी की रानी की तरफ का नज़ारा देख सकते हैं, और मेरे इस तरफ आप देखेंगे कि रुड़की रोड पर भी लोग काफ़ी कम संख्या में लोगों की आवाजाही दिख रही है। हालांकि ये ना हो तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। देख रहे हैं आप।